ऋषि कुमार, ओ खड़ू संडी, देखो ऋषि कुमार, चल मैं आपको मिलवाती हूँ। ऋषि कुमार, दरगाह में आकर बहुत मजा आया ना? अच्छा एक बात बताओ, जो मम्मी ने गिफ्ट दिया था जारा खान के लिए, वो तुमने दिया? अरे वो मैं भूल गया। मम्मी ने कहा था कि तुम भूल जाओगे, तुम नानू के तरह भुलक्कड़ बन रहे हो ऋषि कुमार। माफ कीजिएगा। मैडम अकेली कहाँ भाग रही थी? अगर यहाँ पर गुम हो जाती तो? कहाँ है तेरे पापा? गिफ्ट लाने गए हैं तुम्हारे लिए, मम्मी ने भेजा है। मेरे लिए गिफ्ट मम्मी ने भेजा है? स्ट्रेंज, वो तो मुझे जानती तक नहीं, तो गिफ्ट क्यों भेजा? मम्मी कह रही थी कि तुमने कुछ एहसान वहसान किया है इसके लिए, अगर पूरी डिटेल से जानना है तो मम्मी से बात करो। क्यों देख रही हो? हाथ आगे करो जरा, करो। मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट। वाह कितना क्यूट है। तुझे पता है मुंबई में ना हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और उसी दिन गणपति बप्पा को अपने अपने घरों में स्थापित की जाती है, और पता है इन्हीं की आशीर्वाद से हर घर में खुशियां ही खुशियां होती है, इसीलिए तो इन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। विघ्नहर्ता वो क्या होता है? जो हर मुश्किल को ऐसे चुटकी में हटा देना उसे विघ्नहर्ता कहते। एक बात सुन, तुम भी ना इस गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित करना, फिर देख तेरे मम्मी पापा के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सब सॉल्व हो जाएगी। वाह, तो मैं इसे अपने पास हमेशा रखूंगी। वेरी गुड। वैसे थैंक यू तो बोलना नहीं चाहती पर बोल ही देती हूँ, थैंक यू। वैसे वेलकम तो बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन बोल ही देती हूँ। यू आर वेलकम। वालेकुम सलाम, और खैरियत? जी बिल्कुल ठीक। और बताइए आपका हज कैसा रहा? उसके दर पे सब बेटी अच्छा ही होता है।
जो तुम मक्के का तस्वीर बोली थी वो मैं लाया हूँ, मैं जमील के हाथ से भेजा देता हूँ। शुक्रिया चाचा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ चाचा। वो मुंबई आते वक्त वो इंदू की माँ ने आपके लिए ये गिफ्ट भिजवाया था और कहा था कि आपसे बोल लूं कि आपने जो कुछ भी हमारी इंदू के लिए किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कोई भी गिफ्ट काफी नहीं है। ये लीजिए। अपनी वाइफ श्वेता से कहिएगा कि मैंने उन्हें थैंक यू कहा। चलता हूं वरना लाइट मिस हो जाएगी। जी। अगर आपका कभी दिल्ली आना हो तो प्लीज हमारे घर जरूर आइएगा। वो परिवार वाले आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। शो, अगर मौका मिला तो जरूर आऊंगी। तेरी इंदु, जाने से पहले जारा जी को बाय बोलो। जब मैं चले जाऊंगी तब तुम मुझे मिस करोगी। अगर मेरी याद आए तो मुझे फोन कर देना, मैं भी फोन करूंगी। वैसे तुम खड़ूस आंटी हो पर उतनी भी खड़ूस ही हो। सुन लड़की, घर जाएगी ना तो अच्छे से रहना। नो बदमाशी। आओ इंदु। पापा, भागने का डबल फायदा हुआ। अब मैं हॉस्टल भी नहीं जा रही हूँ और इसी बहाने पूरा मुंबई घूम लिया। अब सच में विघ्नहर्ता हो। गणपति बाप्पा मोरिया। कपड़े पहनूंगा तो कुटुंब फिर से चिल्लाएगी। हो गया एकदम फिक्स। क्या कहती है? क्या पापा, स्कूल ड्रेस है, कोई कागज नहीं जो टेप लगाने से ठीक हो जाएगी, सिला दूं इसे। अरे गोलू, मतलब तो काम चलाने से है ना, अब किसी को पता नहीं चलेगा तेरी ड्रेस फटी हुई है। सीख कुछ अपने पापा से। नहीं, मैं ऐसे स्कूल नहीं जाऊंगी। सिला दो इसे। बेटा देख, ये सिलाई कढ़ाई तो मम्मी के काम होते हैं और मैं तो पापा हूँ, मेरे को नहीं आता ये सब। तभी तो मैं कह रहा था कि तेरे लिए वो मम्मी ले आता हूँ, झट से कर दिया करेगी सारे काम। अब देख तेरे को कितनी दिक्कत होती है।
तू कहे तो कर ही लिया तुम तेरी मम्मी। नहीं पापा, ये टेप अच्छी है, नहीं चाहिए मुझे सौतेली मम्मी। इंदु ने सब बता दिया है मुझे कि सौतेली मम्मी कितनी गंदी होती है, नहीं चाहिए मुझे सौतेली मम्मी। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। इंदु ने सब बता दिया है मुझे कि सौतेली मम्मी कितनी गंदी होती है, नहीं चाहिए मुझे सौतेली मम्मी। अरे सुन सर बेटा, तूने तूने अपने दादाजी को कहीं देखा है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए वो। कहाँ गए होंगे वो? अरे बनवारी लाल जी, कैसे हैं? सब बढ़िया है? नमस्कार। अरे चाची जी पाँव लागू, आशीर्वाद दीजिए ना। नाराज है। अरे बहन जी माफ कीजिए, मैं आ नहीं सका, बड़ा दुख हुआ। भगवान आपके पति की आत्मा को शांति दे। अंकल जी जो भी मकान राधे है उनके काम। जय माता दी। कह राधे अंकल जी। जय माता दी। अंकल जी रुको तो, राधे पूछ रहे क्या हालत बना रखी है। चांदनी चौक में बाबा बन के कृपा बांटने की तो नहीं सोच रहे है? बाबा नहीं तो क्यों? ना जी ना, आप ऐसे इंटरनेशनल हालत में घूम रहे थे ना बिना कपड़ों के, इसलिए पूछा राधे ने। नहीं नहीं वो क्या है, कुटुंब ने कपड़ों को हाथ लगाने से मना किया हुआ ना, इसलिए। अच्छा समझा। जय माता दी। जय माता दी। आपको भी कुटुंब ने कपड़े पहनने से मना किया हुआ है क्या? भाई साहब एक टिकट देना। क्या चाचा पूरी तैयारी के साथ आए? हाँ बिल्कुल, नहा धोके तेल क्रीम लगा कर आया हूँ। लेकिन थोड़ा सबर करना पड़ेगा चाचा, 3 बजे वाले शो की टिकट है। इस पिक्चर का हीरो अपना ऋषि किरण है। ऋषि? मैं भी नाच कराऊं? यहीं बैठो चुपचाप। करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश।
मर्जी से काम करोगी ना सारे, अपनी मर्जी चलाओगी, अभी तुम्हें चोट लग जाती। भगवान की पूजा करने में भी आप डांटोगे ऋषि कुमार? ये देखो छोटे से क्यूट से गणपति बाप्पा, ये वो खड़ूस आंटी ने दिया है, वो कह रही थी कि ये विघ्न हटा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल भी हो रहा है कि मैं बप्पा पर विश्वास करूं और उनकी पूजा करूं। बहुत अच्छी बात है इंदु, घर चलकर पूजा करेंगे सबके साथ, आओ चलो। मलिक खान से बच के निकल रहा था,